एक रास्ते मोड़ी को 20 साल रात का पढ़ाया है, कलेक्टर बोलता है न्याय चाहिए थी न्याय। खेलती खाती मोड़ी चली गई सर, कलेक्टर महोदय से मेरा नाम का पूरा जोर दें इस न्यूज पे। अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर। एक हाथ से दिव्यांग पिता ने कैमरे पर रोते हुए और गुहार लगाते हुए कहा कि कलेक्टर साहब उसके साथ में गलत हुआ है, न्याय चाहिए। आंखों में आंसू लिए ये पिता सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी लड़की ने घर में अपनी जान दे दी। उसके पिता का आरोप है कि पड़ोस के ही कुछ लड़के उसकी बेटी को लगातार परेशान करते रहते थे, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठा लिया। जानकारी के मुताबिक राहतगढ़ नगर के वार्ड नंबर 15 में रहने वाली रघुवीर राय की बेटी सिमी राय जब कॉलेज जाती थी तब उसे कुछ युवक परेशान करते थे, जिससे वो मानसिक तनाव में रहती थी। जब बीते दिन उसके पिता अपनी पत्नी के साथ विदिशा किसी रिश्तेदार को देखने गए हुए थे, तभी उसने घर में अपनी जान दे दी। मामले में पुलिस ने डेड बॉडी का पीएम कराकर परिजनों को सौंपा। इसको लेकर पीड़ित पिता ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। उनका कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए। खेलती खाती मोड़ी चली गई सर, कलेक्टर महोदय से मेरा नाम का पूरा जोर दें इस न्यूज पे। फोन करता था परेशान, इसका नाम उसका एक बार इसका मोड़ा है, उसका नाम था उसका नाम बच्चा जानता है, और एक अकरम टेंड वाला, एक अज्जू नलवारे का, और एक बगल में रहती वो, ये तीनों गाड़ियों पे इकट्ठी गैंग बना लेते, मोड़ी को धमकी देते। वो तहीं से पूरी बच्ची डेली कॉलेज जाती थी पढ़ने के लिए, इनकी 2-3 मेरे के इनके बाप बताए थे, भी समझाओ उनसे, पुलिस ध्यान ले, साहब देखो हमारी सियानी बच्ची होती, तुम्हारे बच्चा यहाँ सब करते हैं, बाप बताए थे, भी समझाया है, बहुत धमकी दी थी मेरे के, तेरा एक बच्चा काट के नदिया में फेंक दे, और आज मोड़ी तो दोस्त धमकी दे रही, इसलिए मोड़ी ने सोची पापा मार मेरा बच्चा, मोड़ी ने मैंने एक रास्ते मोड़ी को 20 साल रात का पढ़ाया है, कलेक्टर बोलता है न्याय चाहिए न्याय। वहीं टीआई आनंद राज ने बताया कि मामला जांच में लिया गया है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना राहतगढ़ के अंतर्गत कल रात में देर रात सूचना मिली थी, वीरेंद्र राय पिता सारा गांव द्वारा, ये वार्ड नंबर 15 में इनकी भतीजी है सिमी राय, पिता रघुवीर राय, इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पंचनामा की कार्रवाई की और मृत पंजीकृत की। अभी आज पीएम कराया गया है, और इसके बाद जो भी जांच है तो भी जांच के बाद जो भी तथ्यांश है फिर बयान कर देंगे। सर, लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि कुछ लड़कों से परेशान करते थे, जो भी ये जाँच के तथ्य है, जाँच तथ्य में जो भी कथन और पीएम रिपोर्ट साहब रिपोर्ट आई उसके बाद जो भी तथ्यांश है फिर बयान कर देंगे। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर।